ऐसा बहुत होता है कि आप लोगों को ना प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर काफ़ी वीडियोस को या किसी शेप को आपको अलाइन करना होता है, और गाइड्स उसमें बहुत हेल्प करती है। एक गाइड्स का एक ऐसा फीचर जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत प्रिसाइजली आप अलाइन कर पाएंगे चीज़ों को, चलिए बताता हूँ वो है क्या। तो देखिए, मैंने सिंपल सा एक रेड रेक्टेंगल लिया हुआ है। इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ से स्नैप इन प्रोग्राम मॉनिटर में अगर ऑफ करके रखता हूँ, तो मैं देखिए मैं स्नैप नहीं कर पाता हूँ। पर अगर मैं वहीं कंट्रोल दबा के मैं इसको करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके, मेरे देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, तो देखिए मुझे यहाँ पर स्नैप कर रहा है। ठीक है, एक तो ये फीचर है, आप लोगों को पता ही, अगर कंट्रोल नहीं दबाऊंगा तो ऐसे करेगा, कंट्रोल दबा के रखूंगा तो ऐसे करेगा, या फिर आप यहाँ से स्नैपिंग प्रोग्राम मॉनिटर ऑन करिए तो आपको कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है। पर ये स्नैप करता है 50 पे, 75 पे, या एंकर पॉइंट को सेंटर में। अगर आपको, मुझे चाहता हूँ कि आपको एग्जैक्ट 40% पे, यहाँ पर आपको 40 पे आपको स्नैप करना है, तो देखिए आप रूलर्स ऑन करिए, यहाँ से आप रूलर्स को ऑन करें। आपने रूलर्स ऑन किए, आपने यहाँ पे क्लिक किया, पिक्सल में देखना चाहते हैं तो ये पिक्सल में दिखाएगा, अगर आप परसेंट में देखना चाहते हैं परसेंट में दिखाएगा। अब राइट क्लिक करिए, ऐड गाइड्स करिए, ऐड गाइड पे आपको दिखाएगा पोजीशन। मैंने कहा आप इसको 40% पे करो, और काउंटिंग आप लेफ्ट से करो, इधर से काउंट करो, कलर लगाओ आप ये, और गाइड दो मुझे वर्टिकल। जैसे मैं पे क्लिक करूंगा तो एक वर्टिकल गाइड मिल जाएगी, और इस फीचर की वजह से, स्नैपिंग प्रोग्राम मॉनिटर की वजह से, ये मेरा रेक्टेंगल यहाँ पर स्नैप भी हो रहा है। ये स्नैपिंग आपके बहुत काम आएगी जब आपको एक ही फ्रेम के अंदर तीन वीडियोस लगाने होते हैं, और इक्वली उनको इक्वल डिस्टेंस रखना होता है प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर, तो आपको ये फीचर बहुत बहुत ज़्यादा काम आता है स्नैपिंग का। इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर आप ये हॉरिजॉन्टल गाइड भी आप लगा सकते हो, चाहे तो आप इसको चाहे तो 51.7 पे लगाना है, तो ये मेरी 51.7 पे लग गई। तो ये था एक छोटा सा टिप, शायद आपको अच्छा लगा। ओके, बाय बाय।